मोदी जी से मेरा निवेदन है कि आप यहाँ हम लोग स्टील एरिया दिल्ली में फंसे हुए हैं, वीरपुर ए ब्लॉक में रत्तर के आंसू रो रहे हैं। मोदी जी ध्यान कान खोल कर सुन लीजिए, हम जैसे मजदूर ग्राम वासियों को कुशीनगर जिला में घर तक पहुंचाइए, नहीं तो आप जहर भेज दीजिए, हम लोग पीकर मर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दस दस हजार 15-15 रहत नहीं जा, ऐसे कोरोना जाई। मोदी साहब लॉकडाउन करा दल बना जे लोग कोरोना से बची, कहाँ कोरोना से बची, अपने एसी में घूमत नहीं वहाँ के, हमारी के देखा कितना परेशानी से बाली जा। एगो शौचालय में कम से कम 500 लोग एक बेर जाता, आप कहते नहीं अपने दरवाजा के सेंटराइज कर जाए। 500 लोग एगो शौचालय में ढुकता है, इतना गंदगी बा, ऊ छुअत एगो डिब्बा बा, उहे टोटी बा, ऐसे कोरोना जाई। कहते तनी दूरी बना, हमें कौन तरह दूरी बन, हमें दूरी बन पाई। अरे वहाँ के चाही है सब लोग के काए भाई, चेक करा करा उनके घर भेजवा दल जा। ये खैले बिना लोग मरता। केजरीवाल साहब कहते सबके हम राशन देतनी, एगो बिस्कुट नहीं खे मिलल एक बहन चलो एक महीना से ऊपर हो गई। के पावत है जल्दी में के पावत बोला बड़ा हो कहियो नहीं हो मिला तो मिलल बा। ये बताओ जे ऐसे कहते हैं जे सेंटराइज बना जाए, एक रूम में 10-15 जना बैठते हैं, कौन तरह कोरोना जाए तरह जाएगी और ही बढ़ता। लोग कहता जे दूरी बनाओ, गैले पर रास्ता में पुलिस डंडा मारता, दूरी बनाओ, बैचोर मास्क किनने का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है। ये बताओ ये सूखी भात हम लोग खा रहे हैं वैसे, ये भी नहीं मिल रहा है, भीख मांग रहे हैं। मोदी जी कहता है अच्छे दिन आएगा, कटोरा थमा दिया है, लेकर हम लोग स्कूल में जाते हैं, कच्चा कच्चे भात मिल जाए, किसी दिन भात मिलता है तो दाल नहीं है, दाल मिलता है तो भात नहीं। ऐसे ऐसे भुखमरी से हम लोग मर रहे हैं, इसीलिए हमारे देश के जनता उनको चुना है। मैं मानता हूँ जो मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इन गरीबों मजदूरों को भी ध्यान दे, अगर काम चलता तो सभी लोग काम करते, घर भेजे कोई खाने बिना नहीं मरता, नहीं मरता, कमाता खाता। कहो मजदूरों के बारे में क्या सोच रहे हैं, भेजो घर बेचारे के चौचों में लड़का ये जब आए सो चार को लड़का परिवार लेते हंगामा हो जाए, जल्दी भेजे ना तो ये अच्छी बात है। हम लोग सब लोग सहमत है मोदी जी से या उत्तर प्रदेश सरकार से, चाहे केजरीवाल सरकार हो, सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग जो भी मजदूर फंसे हैं उनको चेक करा के घर चेक करा के उनके गांव भेजाइए। इस समय कटिया दौरी का समय आया है, 6 महीने का कमाई बहनचोद बारिश उरिश में हम लोग को सब दोहरा है। अब हम लोग रहते तो उसी मौसम में किसी तरह से काट कर निकालते, भूखे लड़के मर रहे हैं या हम लोग मर रहे हैं, ये क्या इंसानियत है। कभी पिसाते हैं तो मजदूर पिसाते हैं, कोई बड़कवा कोई एयरप्लेन से कहीं जाता है, कहीं फोर व्हीलर से अपना चला जाता है, कितने लोग यहाँ से गए, कितने मजदूर गए, लाठियों का उनको सेवा कर किया पुलिस वाले ने, आया बनिया मजदूरी। और यहाँ रूम का रेंट है, कहे है जो रूम का रेंट माफ कर देंगे, जो काम किया वो तो पैसे नहीं मिल रहा है, रूम का रेंट माफ कर दे रहे, लेकिन यहाँ पर मकान मालिक करता है, ठीक है मैं छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों से बाद में लूंगा, ये क्या इंसानियत है, माफ कर दे रहे हैं। आज तक एक रुपया कभी आया है खाते में, नहीं नहीं, राशन दे रहे हैं फ्री में, राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, पैसा मिला है, आज तक बहन चोर एक रुपया खाता में नहीं आया है, एक रुपया मोदी जी कहते हैं जनधन खाते में पैसा भेजे हैं, आज तक किसके खाते में, पूरा इस दुनिया में जनधन खाता जब खोलना चालू हो गया, अमीरों का खाता खुला जनधन खाते में, मैनेजर लोग क्या करते थे, पैसा दो तब तुम्हारा खाता खोलेगा, नहीं तो गेट से भागो 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 भागो। अमीरों का जनधन खाता में खाता खुला है, गैस गैस की बात करते हैं, गैस कितना उजाला वालों को मिला है, किसी को मिला है, गरीब अपना पैसा से मिला है, हम लोग ऐसे भूखे मर रहे हैं। मोदी जी से मेरा निवेदन है कि आप यहाँ हम लोग स्टील एरिया दिल्ली में फंसे हुए हैं, वीरपुर ए ब्लॉक में रत्तर के आंसू रो रहे हैं। मोदी जी ध्यान कान खोल कर सुन लीजिए, हम जैसे मजदूर ग्राम वासियों को
कुशीनगर जिला में घर तक पहुंचाइए, नहीं तो आप जहर भेज दीजिए, हम लोग पीकर मर जाएंगे। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। कल मैंने देखा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि जो बाहर मजदूर फंसे हुए हैं यूपी के, वो अपने राज्य के मजदूरों को लाने का काम बहुत ही जल्द कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद देता हूं योगी आदित्यनाथ जी को। साथ ही मैंने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उनका भी बयान आया कि वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं और वो अपने यहाँ के मजदूरों को, फंसे हुए व्यक्ति को लाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता पूरे देश के कोने कोने में फंसी हुई है। जब यूपी के मुख्यमंत्री पहल कर सकते हैं, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहल कर सकते हैं अपने मजदूरों को अपने राज्य में लाने के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जनता की भावना को समझिए। जनता के अंदर आपके खिलाफ एक बहुत आक्रोश पैदा हो रहा है। यदि आपने जल्द से जल्द ये डिसीजन नहीं लिया बिहार के मजदूरों को जो बाहर राज्यों में फंसे हुए हैं उनको यहां लाने का काम नहीं किया, आपने शीघ्र फैसला नहीं लिया, तो जो जन आक्रोश आपके खिलाफ जनता के अंदर हो रहा है, ऐसा ना हो कि 2020 के चुनाव के अंदर ये जन आक्रोश आपकी पार्टी को बहा के ले जाए, पता ही ना चले कि बिहार में कोई जदयू पार्टी भी थी। बहुत पॉइंटली बात कह रहा हूं आपसे, आप इसके ऊपर, बिहार के मजदूरों के ऊपर कोई जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए। साथ में झारखंड की सरकार से भी अपील कर रहा हूं मैं कि जो झारखंड के मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनके ऊपर कोई जल्द एक्शन ले और जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने का काम करिए, क्योंकि लोगों के अंदर आक्रोश काफी बढ़ रहा है। तमाम मुख्यमंत्रियों से मैं कहना चाह रहा हूं, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि जो जिस भी राज्य के मुख्यमंत्री है और उनके मजदूर बाहर फंसे हुए हैं वो अपने अपने मजदूरों को लाने का काम करिए, क्योंकि ये महामारी बीमारी जो है ये काफी लंबा जा रहा है। जिस हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है लग नहीं रहा कि ये दो चार महीना दो महीना में ठीक होने वाला है, ये लग रहा है कि दो चार महीने के अंतर में जाएगा। तो इसलिए मैं आप सब से अपील कर रहा हूं कि आप अपने अपने राज्यों के मजदूरों को अपने अपने उनके घरों तक पहुंचाने का काम करिए। कल माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे अपनी मन की बात करने फिर से, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात के अलावा जनता के काम की बात नहीं की, एक शब्द नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं निकला कि जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनको हम उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन लंबा जाने वाला है। बड़ा आश्चर्य लगा। दूसरी चीज, बिहार के अंदर जिस तरीके से इस बीमारी को फैलाया गया है उसका श्रेय यदि कहूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में सब्जी मंडियों के अंदर, खास तौर से पटना के अंदर, कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं लोगों के अंदर, सब्जी मंडी में जाके फैला, तो ये जब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के अंदर क्यों नहीं उनके घरों में सब्जी पहुंचाने का माननीय मुख्यमंत्री की सरकार ने
जो इनके इतने सारे अधिकारी घर पे सो रहे हैं, उन अधिकारियों को काम दिया गया, क्योंकि लॉकडाउन जब ही सफल रह सकता है जब लोग घर के अंदर रहेंगे, और जब वो बाजारों की ओर रुख करेंगे तो बीमारी निश्चित है फैलेगी, और बाजार में जाने के लिए किसी ने मजबूर किया तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी आपने मजबूर किया लोगों को। अगर यदि ठेली पे यही सब्जियां उनके मोहल्ले में पहुंचती तो शायद वो बाजारों का रुख नहीं करते, और ना ही बिहार के अंदर 200 का आंकड़ा पार करता इस बीमारी का। तो इसका गलती, नीतीश कुमार का गलती, मोदी जी की गलती, देश के एक एक आवाम को, एक एक जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग कोई डिसीजन लीजिए, और जो बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं उनको लाने का आप लोग काम करिए, क्योंकि ये जन सैलाब आपके खिलाफ होता जा रहा है प्रधानमंत्री जी, और क्या कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ होता जा रहा है। तो जल्द से जल्द मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा लंबा आज मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, साथ ही धन्यवाद देता हूं क्या कहते हैं ये शिवराज सिंह चौहान जी को, और मैंने सुना है कि कल गुजरात के अंदर राशन बांटा गया है मजदूरों के अंदर, इसके लिए गुजरात सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि वहां पे काफी फंसे हुए हैं उन व्यक्तियों को भी महाराष्ट्र सरकार या तो मदद पहुंचाए या उनको उनके घर तक भेजने का काम करे। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय श्री राम, माँ भगवती, आप सबको, तमाम नेताओं को जरूरत है सतबुद्धि देने का, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, माँ भगवती आपको बुद्धि दे ताकि अपने मजदूरों को यहां लाने का काम करें। जब से कोरोना वायरस का डर हुआ है, जब से कोरोना वायरस का संक्रमण का दायरा बिहार में थोड़ा सा शुरुआत हुआ था और आज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तब से पता नहीं, मैं तो बाबू वीर कुंवर सिंह से सबक लेता हूं, उनसे प्रेरणा लेता हूं, उनकी बहुत सारी वीर गाथाएं हैं, उनको देख करके, उनको सुन करके अपने आप में एक जज्बा भरने का काम करता रहा हूं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं क्या हो गया, पूरी बिहार के 13 करोड़ आवाम त्राहिमाम संदेश दे रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। ये कौन सा लॉकडाउन उन्होंने किया है? उन्होंने घोषणा किया था लॉकडाउन का, लेकिन सामने नहीं आना, जनता को अपने हाल पर छोड़ देना, ये समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी नीति है। ऐसी नीति कहां से आ गई? किस प्रजातंत्र के माहौल में, जहां प्रजा बिल्कुल भूख से कहीं तड़प रही है, किन्हीं के बेटे कहीं बाहर फंसे हुए हैं, बेटियां बाहर फंसी हुई है, छात्र की बात हम कर रहे हैं, वो बाहर फंसे हुए हैं, कहीं उसके लिए परेशान है। जो हमारा श्रमिक वर्ग है, श्रमिक भाई बहन जो हमारे हैं, माताएं जो हैं, अभिभावक जो हैं, जो बिहार के अलग अलग शहरों में, जालंधर से लेकर के, मतलब कहें कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फंसे हुए हैं, गुजरात के सूरत में की बात करें, अहमदाबाद में बात करें, मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, हर जगह हमारे लोग जो कल कारखानों को चलाने का काम करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था चलाने का काम करते हैं, वो सब लोग फंसे हुए हैं, कहीं के कहीं बिहार आना चाहते हैं कि हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ, बच्चों का मुंह देखें, बच्चों के साथ रहें, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहें, लेकिन
क्या बोले हम, बोलते हुए शर्म आती है कि ये निकम्मी सरकार क्यों नहीं सुन पाती। राजनीति नहीं करने का समय है, मैं राजनीति नहीं करता हूं, पहले भी नहीं करता हूं और अभी तो विशेषकर मैं राजनीति नहीं करता, लेकिन कहना चाहता हूं कि आप आखिर कब तक 13 करोड़ आवाम को तड़पाओगे, 13 करोड़ जनता को कब तक तड़पाते रहेंगे। नीतीश जी समझिए कि ये 13 करोड़ आवाम के जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, आपने कहा कि 10 लाख 10-11 लाख लोगों को 1-1 हजार रुपया दे दिए गए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वो 1-1 हजार रुपए जो आपने दिए, एक तो बहुतों के पास वो नहीं मिला वो रुपए, वो चूंकि सारे लोगों के पास हमने स्मार्टफोन आपने नहीं दे रखा है, आप हो सकता है कि बहुत अच्छे कंपनी का फोन रखते होंगे, लेकिन हमारे लोग जो है ना वो 700, 800 और 1000 रुपए वाला फोन रखते हैं जो स्मार्टफोन नहीं होता है नीतीश कुमार जी। और बिहार की सरकार चलाने वाले हुक्मरानों से मैं कहना चाहता हूं कि स्मार्टफोन नहीं होता है, आप उसमें 1000 रुपए कैसे, कौन सा ऐप्स डाउनलोड करेंगे। हमारे लोग अनपढ़ हैं, कुछ के पास फोन भी है तो उनसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। हमने बात की जहां 40-50 के संख्या में जो लोग हैं उनके पास, किसी के पास चार, उस ग्रुप में 4 आदमी के पास डाउनलोड हुआ, 5 आदमी के पास डाउनलोड हुआ, तो 5 आदमी के पास हुआ तो उनके 5 आदमी के पास पैसे गए, बाकी लोगों के पास तो नहीं गए। और 1000 रुपए का क्या अहमियत है आज के समय में, ये टोटल 1.5 महीना का लॉकडाउन को आप 1000 रुपए में कैसे खेपेंगे नीतीश कुमार जी, कौन सा रास्ता आपने अपना है? आप ही बता दें उन श्रमिकों को कि आप 1000 रुपए में 45 दिन का लगभग लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन में 45 दिन आप कैसे पार करा देंगे। तो नीतीश कुमार जी माननीय हैं, बिहार को 15 साल चलाए हैं, लेकिन किस रास्ते से आगे चलाना चाहते हैं समझ में नहीं आता। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, कि हमारे श्रमिक भाई बहन जो कभी कहीं जूस बेचने का काम करते हैं जूस बेचते हैं, कोई हमारा भाई ठाकुर का काम करता है नाई दाढ़ी बाल बनाने का काम करता है, कोई हमारा भाई ठेला चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई छोटे छोटे उद्योग करते हैं, हमारे पटना सिटी में भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं, हस्तकरघा उद्योग में है, तो इन सबों के लिए, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, टेम्पू चलाने वालों के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि आप आखिर करेंगे क्या। ये 1000 रुपए और 500 रुपए देने की जरूरत नहीं है, देने की बात नहीं है, खुलेआम सामने आने की जरूरत है, सामने आकर के लोगों को बताने की जरूरत है कि डरो मत, इस कोरोना से मत डरो, हम लोग तैयार हैं और कोरोना को बिहार से मार भगाएंगे, ये नीति बनाने की जरूरत है। आप लुके हैं छिपे हैं, एक आपके हुक्मरान भी लुके हैं छिपे हैं, मैंने पहले भी गुजारिश की थी अपने विधायकों और सांसदों को निकालिए क्षेत्र में, वो भी लुके हैं छुपे, तो ये लुका छिपी का खेल कब तक चलेगा, कैसे इस लुका छिपी के खेल का अंत होगा, हमारी आवाम, हमारी 13 करोड़ जनता बिहार का कैसे रह पाएगा। यह तो लगता है कि नेतृत्व विहीन है। अपने आसपास के राज्यों में मैं देखता हूं तो ताज्जुब करता हूं कि हमारी ममता दीदी पश्चिम बंगाल की जो शेरनी है अपने क्षेत्र में उछल रही है, लाउडस्पीकर लेकर के अपने से अनाउंस कर रही है कि किसी को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके क्षेत्र में, किसी भी अस्पताल में कोई हलचल नहीं होने देंगे, कुछ बिगड़ने नहीं देंगे, हम हैं यहां पर, जन वितरण की प्रणाली पूरी की पूरी ठीक रहेगी, मैं हूं यहां पर। लेकिन हमारे यहां क्या कहानी, हमारे यहां ठीक उल्टा है कि जन जितने भी जन वितरण प्रणाली है सब जगह लूट मचा हुआ है, सारे जगह लूट मचा हुआ है, आपदा प्रबंधन लूट का शिकार हो गया है, वो कहां खाना बनता है, कहां चला जाता है, ये समझ में नहीं आता, पूरा का पूरा सिस्टम लूट में लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जगने की जरूरत है आपको, समझने की जरूरत है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, कहां तक ऐसा चलेगा। मैं अपने तमाम साथियों से, अपने अभिभावकों से, अपने
फेसबुक के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सबों को कहना चाहता हूं, धैर्य का समय है, धैर्य रखने की जरूरत है साथियों। राजनीति का समय नहीं है, धैर्य का समय है। ये सरकार बिल्कुल सोई हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार क्वारंटाइन में है, लेकिन क्वारंटाइन में नहीं है, ये कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। ये जगने वाली नहीं है इस आपदा के समय में, इस विपत्ति के समय में सरकार जगने वाली नहीं है। ये सरकार सोई हुई है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। न तो ये जगेगी, न इसका कोई प्रतिनिधि जगने वाला। ये तमाम लोग केवल और केवल घोषणा करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है सरकार। तो ये सरकार, इन सरकारों का काम ही है घोषणा करना, घोषणा करते रहेंगे। हम और आप जिस कष्ट में हैं, उस कष्ट में रहना ही हमारा काम होगा, और उसी कष्ट से हम कैसे अपने जीवन प्रणाली को आगे ले जाएंगे, ये हम सबों को सोचना होगा। साथी सोचना होगा कि हमारी जीविका कैसे चलेगी। तो अभी सबसे पहले इस विपदा के समय में हम लोगों से इस विपदा से निकलने की जरूरत है। और जैसे हमारे बक्सर में हुआ कि खैनी के मांगने और खैनी का बंटवारा करने में 20 आदमी में करीब संक्रमण फैल गया, 17 आदमी में संक्रमण फैल गया, तो हम कहना चाहेंगे कि धैर्य का समय है और आपस में शारीरिक दूरी जरूर बनाने की जरूरत है दोस्तों। अपने गमछा से मुंह अपना जरूर बांधने की जरूरत है और शारीरिक दूरी बनाकर रखने की जरूरत है कि हम शारीरिक दूरी बनाकर रखें। और खैनी तो हम फिर खा लेंगे, अभी उस पर थोड़ा सा समझने और विचारने की जरूरत है। ये समझने और विचारने का समय है कि सरकारें केवल और केवल हमें घोषणा करने की कह रही है कि हम लॉकडाउन करें, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं कर रहे। तो हम अपने तमाम अपने साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आप इस धैर्य की घड़ी में धैर्य से रहें। और हां, एक और भी बात आप सबों से शेयर करना चाहता हूं कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करने हम सबों के बीच आए। अब तो लगता है कि वो जो भी करेंगे सब कुछ टीवी पर दिखेगा। दिखा था ना आज सब लोग टीवी पर, रेडियो से बोल रहे थे और हम लोग टीवी पर देख रहे थे। यह बड़ा हास्यास्पद बात है कि रेडियो से बोल रहे थे और हम लोग टीवी से देख रहे थे, और परसों दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे और हम लोग टीवी पर देख रहे थे। तो टेक्नोलॉजी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा से समझते हैं और बहुत अच्छा से सारे टेक्नोलॉजियों को बनाते हैं कि कैसे हम लोगों के बीच में बने रहें। भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर हमको करना है तो हम टीवी पर क्यों दिखेंगे? तो ये समझने की जरूरत है कि ये टीवी पर हम क्यों दिखेंगे, कैसे दिखेंगे। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मन की बात रेडियो पर की और हम लोग टेलीविजन पर उनको देख रहे थे। तो एक बड़ा आश्चर्य आया जब उन्होंने ये कहा कि जनता का लड़ाई है, जनता अपने ढंग से इस लड़ाई को लड़ेगी। आश्चर्य हुआ कि भाई, हम 130 करोड़ जनता हैं भारत में, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जातियों के लोग हैं, लेकिन भारत तो बनता है 130 करोड़ जनता से। ये जनता अगर अपने से लड़ाई लड़ लेगी तो फिर इन सरकारों का क्या काम है? हम लोग सरकार बनाने में इतना जो वोट डालते हैं और इतना सारा पैसा टैक्स देते हैं जो सरकारों के पास जमा होती है, क्या काम है उनका? इन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से अलग होकर के पीएम केयर बनाया। पीएम केयर में भी हमको लगता है कि हजारों करोड़ चला गया, लाखों तक पहुंच जाएगा, लेकिन क्या करेंगे इन रुपयों का? क्या ये भी रुपया अडानी अंबानी में बट जाएगा? ये बड़ा बड़ा सवाल है साथी, कि हम रेडियो पे बोले टीवी पर दिखेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे टीवी पर दिखेंगे, लेकिन ये जनता की लड़ाई है, जनता अपने ढंग से लड़ ले। अरे भाई अंधभक्तों, जगिए, ये ताली और थाली जो जनता से बजवाई गई है सारी बेकार है। जब जनता की लड़ाई है तो जनता को खुद निपटना होगा,
प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में स्पष्ट कर दी कि इस लड़ाई में सरकार आपके साथ नहीं है। डॉक्टरों को पीपीई किट अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलेगा, है जनता तक, जनता को देने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तमाम अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आपके आसपास में बहुत सारे अंधभक्त हैं, अंधभक्तों को अंधभक्ति को हटाइए। ये लड़ाई हम सबों को मिलकर लड़ना है, इसमें धर्म की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से कुछ पूरे भारत में धार्मिक लड़ाई की ओर भी इस कोरोना वायरस को ले लिया जा रहा है, तो ये लड़ाई धार्मिक नहीं है दोस्तों। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इस महीना में भी हम सबों को संकल्प लेने की जरूरत है कि ये लड़ाई धार्मिक नहीं है, ये लड़ाई मानव समाज से है, ये लड़ाई मानव समाज से लड़ाई है, एक वायरस का लड़ाई है। वायरस कहां से आया, कैसे आया, हम नहीं कह सकते, लेकिन ये लड़ाई मानव समाज का है। हार ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व से भगाने की जरूरत है। ये कैसे भगा, हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, ये कैसे हम इस पर जीत हासिल करें। डॉक्टर अपने आप हमारे भगवान, साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े हुए हैं, स्वास्थ्य कर्मी भगवान के रूप में खड़े हुए हैं, पुलिस कर्मी भी हमारे साथ इस स्वास्थ्य के युद्ध में, लड़ाई के मैदान में वो भी बड़ी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। कहीं कहीं बेचारे संक्रमित भी हो गए, चूंकि उनके पास भी कोई पीपीई किट नहीं है, कोई किट नहीं है, और लगातार जनता के बीच में वो मिल रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, सबसे समझ रहे हैं, जिला अधिकारी हो, जिला के अधीक्षक एसपी हो, सारे लोग लगे हुए हैं, छोटे दरोगा से लेकर सिपाही तक हो, सारे लोग लगे हुए हैं। सबका हम लोग ये ऋण कभी अदा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जो भी हमें ये सुविधा मुहैया करा रहे हैं, जहां सरकार फेल हो रही है वहां ये डटे हुए हैं, तो इनका ये ऋण हम लोग कभी नहीं उतार पाएंगे साथी। तो हमें जरूरत है कि हम इन्हें पूरा का पूरा सहयोग करें, जितना हो सकता है हम इन्हें, इनके साथ हौसला बढ़ाएं, इनके साथ चल करके जो भी अगर कहीं कुछ हम समाज में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उनको करने की जरूरत है दोस्तों। लेकिन जो बिहार की सरकार है या भारत की सरकार है, ये दोनों सरकारें मुंह मोड़ चुकी है और ये नहीं कहना चाहती है कि हम कैसे चलेंगे, जनता कैसे चलेगी। अभी कुछ ही दिन की बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी आते हैं तो कम्युनिकेशन में बातों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, वन वे ट्रैफिक, एक ही तरह से बात होगी, केवल मुख्यमंत्री जी बात करेंगे और पूरे लोगों को सुनना है, कुछ बोल नहीं सकते। इस सिस्टम से मुख्यमंत्री जी आते हैं और उन्होंने इसी सिस्टम को आगे बढ़ाया है, और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब हमारे कुछ जनप्रतिनिधि जो हैं, पंचायत के प्रतिनिधि जो हैं, जब सवाल खड़ा किए, उस बाद में भी सवाल खड़ा किए, तो मुख्यमंत्री जी किन्हीं बातों का जवाब नहीं दिए, न उनका कोई प्रतिनिधि जवाब दिया, और हर जगह पंचायत प्रतिनिधियों को तरह तरह से कहा गया कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कहां से किया जाएगा, पंचायत प्रतिनिधियों को, कार्यों को कोई ट्रेनिंग नहीं है, सबको कहा जाता है कि आप कर लीजिए, कैसे करेंगे। तो ये तमाम सवाल बनी हुई है, बिहार के मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, और ये मुख्यमंत्री जी कैसे हम जनता के बीच में 1000 से हमें पूरे लॉकडाउन में खाना खिला देंगे, अपने बेटा अगर फंसा होता तो उसको लाने के लिए जैसे मानव श्रृंखला बनाए थे तो कितना हेलीकॉप्टर, शायद 15 हेलीकॉप्टर आया था। तो अगर इनका बेटा भी कहीं फंसा होता तो 15 हेलीकॉप्टर चला जाता उनको लाने के लिए, लेकिन हमारे बिहार के तमाम बेटे
कोटा में फंसे हुए, हमारी बेटियां विजयवाड़ा में फंसी हुई है, तो लाने के लिए हेलीकॉप्टर क्या साइकिल भी नहीं जा पा रहा है। हमारे तमाम श्रमिक भाई बहने बिहार से बाहर अलग अलग कोने में फंसे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक जू नहीं रह रहा है। उन्हें लाने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं, कैसे आएंगे। तो मैं साथियों आप सबसे अपील करना चाहता हूं, धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत का समय है। मैं आपको दिलासा देना चाहता हूं, हिम्मत देना चाहता हूं, कहना बार बार इस हिम्मत देने के लिए आपके बीच में आता हूं कि आप धैर्य नहीं खोइए, समय आएगा, समय के अनुसार फिर से निर्णय लीजिएगा, लेकिन अभी अपने जीवन को आपके परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुमूल्य है, इस जीवन को बचाने की जरूरत है। और जो भी संभव होगा हम सबों ने भी किया है, आगे भी करते रहेंगे। अपने तमाम साथियों से पुनः अपील करते हुए कि आप सभी अपने आस और पास किसी को भूखा नहीं रहने दें, जहां गरीबी है, जिसके पास खाने का साधन नहीं है, उसे जरूर मुहैया कराएं। हम भी इस मुहिम में जुड़े हैं, केस और मुकदमा होने से डरने की जरूरत नहीं है साथियों। किसी के ऊपर बिहार की सरकार जो ये फरमान लाई है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, समाज में अगर कोई पीड़ित है उसे आप अन्न नहीं दे सकते हैं, ये बिहार सरकार का हिटलरशाही कानून है। अभी समय नहीं है राजनीति करने का, लेकिन एक कल वीडियो मैंने देखा कि बक्सर में लोग वहां आंदोलन कर रहे थे कि क्वारंटाइन सेंटर यहां से हटा लीजिए, सैकड़ों की संख्या में थे लोग, आज तक उन पर FIR नहीं हुआ। और हम लोग अगर राशन बांटते हैं जाकर के तो हम लोगों पर FIR हो जाता है। तो ये सुशासन बाबू की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जिसका चेहरा पसंद नहीं है उसको तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, और जिसका चेहरा पसंद है अगर दो हत्या भी कर देगा उसके लिए सरकार कुछ भी करके उसे बचा लेगी। तो हम यही कहना चाहेंगे, धैर्य रखिए, अपने आस और पास में किसी को भूखा मत रहने दीजिए, जैसे भी हो उसे राशन पहुंचाने का काम करें, उसे अन्न पहुंचाने का काम करें, क्योंकि सरकार, दोनों सरकार, केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें कह चुकी है कि हमें जनता को लड़ाई अपने से लड़ना पड़ेगा। तो मैं आप सबों को, आप सभी जो हमसे जुड़े, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और इस लड़ाई का एक सिपाही बनिए। आज बाबा वीर कुंवर सिंह का पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब शपथ लें कि आज हम सब इस लड़ाई को लड़ने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, आज पुण्यतिथि के अवसर पर, बाबू वीर कुंवर सिंह के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी शपथ लेते हैं कि आज हम सभी जो लॉकडाउन का नियम है उसको पालन करते हुए अपने आसपास किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, भूख से तड़पते हुए परिवार को अन्न पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे इसका परिणाम जो। धन्यवाद मेरे साथियों, सबको प्रणाम, जय हिंद। आपके हर दुख और परिस्थितियों में एक बार फिर खड़ा है। मैं डेली प्रत्येक दिन सोचता हूं कि आज मैं आपसे जन की बात या दिल की बात क्या करूं। आज प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं। 64वां मन की बात है उनकी। और सच है कि मैं व्यक्ति की इज्जत बहुत करता हूं, किसी की आलोचना से मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी हों या कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई जनप्रतिनिधि, इस देश के एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, गरीबी, उद्योग, बेरोजगारी, युवा, रोजगार, छात्रों पर, महिलाओं पर, किसानों पर चर्चा क्यों नहीं। कल फिर 10-11 बजे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री से बात करेंगे। आज मन की बात हो गई, कल
बस सुनेंगे सबकी, करेंगे किसी की नहीं। सुनते हैं करते नहीं। मैं चैलेंज करता हूं बिहार सरकार को, चलिए आज बिहार के बारे में, 6 दिनों से बारिश हो रही है, किसान सबसे ज्यादा परेशान हो गए, लगातार बिहार में केस बढ़ रहे हैं पॉजिटिव, लोगों की संख्या बढ़ रही है, स्थिति अच्छी नहीं है, उस बीच में कोरोना वायरस से लॉकडाउन के बाद जो प्रभावित हुए 8 करोड़ किसान बिहार के, प्रकृति के कारण लगातार तूफान और बारिश के कारण बिहार समाप्त हो गई, किसान की स्थिति अत्यधिक परेशानियों में डाल, आज उस पर चर्चा नहीं। एक बार मन की बात आप अन्य लोगों से कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो देश के मजदूर और बिहार के मजदूरों से कर लेते, किस हालात में कोटा और अन्य शहरों में रहने वाले बच्चे हमारे, किस हालात में, क्या हमारे बच्चों से आप बात नहीं कर सकते थे? क्या बिहार का मुख्यमंत्री कोटा के बच्चों से बात कर उन्हें ताकत नहीं दे सकता था? कि आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूं। झूठा दिलासा, नेता तो झूठ बोलने में माहिर होते ही हैं, क्या प्रॉब्लम, कम से कम झूठा दिलासा देने में क्या दिक्कत। आज क्या कल नीतीश बाबू आप विशेष पैकेज या विशेष किसानों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे? क्या आप कल मांग करेंगे कि बिहार और देश के बच्चों को आप जल्द ला करके लौटा के देंगे? क्या आप माफ करें? क्या सरकार बिहार के बच्चों और मजदूरों के लिए पैकेज की घोषणा करेगी? कल आप कौन सा मांग करेंगे नीतीश बाबू? यह सवाल हमारा किसान दोहरी मारों में फंस गए। फ्री ट्रेन की मांग आप 3 तारीख के बाद क्या होगी, जिसके किसी मजदूरों के पास कोई पैसा नहीं बचा? जी छोड़ दीजिए ना नीतीश जी, पाप बहुत कमाए आप लोग, कुछ पुण्य कमा लीजिए अंतिम में। मजदूर और छात्रों की और गार्जियन और मां और बहनों की और बेटियों की हाय कि महापाप के भागीदार आप इतना बन चुके हैं नीतीश बाबू, किंग जॉम जैसा तानाशाह नहीं रहता है, हम और आप किस खेत की मूली। हम आएंगे मन की बात पे, लेकिन हम पहले देश का प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी बात क्यों करता है, देश के गरीब की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात क्यों नहीं करता? और देश की कोई सत्ता गरीबी पर बात क्यों नहीं करता? आज हमारे एक शिक्षक ने लिखा कि जिस बिहार प्रारंभिक शिक्षक में फिर से पेट फंसा दिया गया, बहाली की
जो होने की संभावना थी उसको रोक दिया। नीतीश जी, मैं कई बार आपसे कहा हूं कि आप एक काम करें, छात्र जो लोग हैं जो मजबूर हैं, आप 2 से 3 महीना जारी आप अन एनजीओ को दे रहे हैं ना, 2 IAS के साथ एक एक चीजें सोशल साइट पर होगी, सीसीटीवी कैमरा के बीच में होगी, जो आप देंगे उसको डे टू डे हम जनता के बीच लाएंगे। आप एक जिम्मेदारी दीजिए। मैंने आज कहा कि कोटा के बच्चे या अन्य जगहों के बच्चों को लाने की जिम्मेदारी आप हमें दें, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। पप्पू यादव लॉकडाउन के पूरे नियम को पालन करते हुए जांच की प्रक्रिया अपनाकर उन्हें घर पहुंचाएगा, आप उनको घर में क्वारंटाइन कर दें। जब आप अन लोगों को घर में क्वारंटाइन कर सकते हैं तो फिर हमारे बच्चों को क्यों नहीं? मैं तैयार हूं, हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ कह रहा हूं, मैं तैयार हूं। आप हमें आदेश दें। कल सुबह मैं कोटा के लिए प्रस्थान करूंगा दिल्ली से, और कल शाम से मैं छात्रों को लेकर के बिहार की तरफ प्रस्थान करूंगा, और फिर कोशिश करूंगा मजदूरों, जो मेरा परछाई है, हम लोग की खून है, उनको लेकर बिहार पहुंचूं। इन सवालों को लेकर बिहार करे पुकार। जब हम लगातार इन सवालों को बोल रहे हैं, ना तो देश की सरकार और ना तो बिहार की सरकार पर कोई जुड़ेंग रही, बस कुछ नहीं सुनना। महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू कर दी मजदूरों को ले जाना, उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है, खाने की व्यवस्था नहीं है, वो हालात को ढकना चाहते हैं छात्र और मजदूरों को ऐसी चीजों से, लेकिन कोई प्रयास तो वो कर रहे हैं ना। आपको तो 1.25 महीना हो गए, आपने किसी प्रयास को आज तक किया भी नहीं, दुकान खोलने की प्रक्रिया आप कर रहे हैं लेकिन सैनिटाइजर नहीं है आपके पास, बिना सैनिटाइज किए दुकान खोलेंगे क्या होगा? और कंफ्यूज है, नगर निगम नगर पालिका में नहीं खुलेंगे, वो कंफ्यूजन ऑर्डर, सबके बीच कंफ्यूज, दिल्ली में सबसे ज्यादा अधिक यही स्थिति। 1.25 महीने में आप हमेशा कहते रहे हैं कि 20 तारीख के बाद, 1 महीने के बाद अनाज 5 किलो जाए, कल आपके डिप्टी सीएम ने कह दिया 1 किलो दाल भी लेट ही सही देंगे। मैंने कल भी कहा, क्या 5 केजी दाल में एमएलए एमपी मंत्री संतरी का घर माफियाओं का परिवार खा लेगा? आप क्यों बनाते हैं मजाक गरीबों? आप मत दीजिए, जो हालात है जिंदगी जी रहे जीने दीजिए। आप दिल्ली में नहीं देख रहे हैं ना, मैं डेली जा रहा हूं दिल्ली में, मध्य प्रदेश यूपी बिहार के मजदूरों के पास, और हालात देख रहा हूं कि भूख से कैसे तरफ, कैसी हमारी मां और बहन आंख में आंसू लेकर के आती है मेरे पास खोजे खोजे। आपको क्या पता, आपको कहां दर्द होगा? आप सबकी नेताओं की पत्नी मां बच्चे ये परेशान नहीं है ना, नेता के रिश्तेदार परेशान नहीं है? बिहार करे पुकार कल 10 बजे से 11 बजे
हमने निर्णय लिया है, यदि आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए बिहार के मजदूर एवं बच्चों को न्याय दिलाने के लिए एक स्वर में पुकार करें हम लोग। 10 बजे से 11 बजे हम सब ट्वीट पर रहेंगे, ट्वीट करेंगे, बिहार करे पुकार हैशटैग के साथ ट्रेंड में रहेंगे। मैं मातृशक्ति, बुजुर्गों से, युवा शक्ति, छात्र युवाओं से, भाइयों से सबसे आग्रह करूंगा, आप कल इतनी साथ दीजिए 10 से 11 दिन में कि कभी कोई सरकार हिम्मत न करे अपनों को छोड़ने की। हमारे ट्वीट के साथ खड़े होइए। मेरे पास जो रास्ते थे, मैंने कई बार ये बात कही, जहां से भी छात्र बेंगलोर, विजयवाड़ा, जहां से भी हमारे पास मैसेज आता है कि हमें पैसे की सख्त जरूरत है, मैं कोशिश करता हूं 1000 से 1500 रुपया उनको मदद मिले तुरंत, और मैं भेजने का प्रयास किया हूं। किसानों को लेकर के मेरी गंभीर चिंता है, और उससे पहले बिहार में लगातार जिस तरीके से पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं और सरकार मस्त है, सरकार की चिंता उस ओर नहीं है, सरकार लगी हुई है, कृषि मंत्री तो लगे हुए हैं, अररिया में एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कृषि विभाग के पदाधिकारी को प्रमोट करके डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया, बधाई हो। अंतरात्मा का परिवर्तन सब दिख रहा है। सुशासन बाबू के बारे में कल भी मैंने कहा, छोटे मछलियों को मारकर बड़ी मछली की बचाने की प्रवृत्ति इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। अपने लोगों को ये बलि का बकरा नहीं बनाते, और बनाते भी हैं तो सिर्फ नीतीश बाबू अपने भीतर की गलतियों और चेहरों को छुपाने के लिए। लगातार बिहार में एक तरफ कोरोना वायरस से लोगों के भीतर डर, दूसरी तरफ बिहार के मजदूर और बच्चों का बाहर होना और परिवार का बिहार में होना, लगातार मानसिक रूप से अवसाद और भूख से मौत की ओर लोगों का बढ़ना, और अस्थिर 80% मजदूर और किसान की अब मैं क्या करूंगा, कोरोना वायरस के बाद हमारी क्या होगी, वर्तमान की चिंता और भविष्य की चिंता दोनों बिहार के पास, और सरकार मस्त, विपक्ष बस बस ट्वीट, नदारत, गायब, कोई चर्चा नहीं। एक पागल आदमी जग शुरू कर दिए विज्ञान के युग में, सुबुद्धि जग, बारे बाप, जिसको खुद बुद्धि नहीं, शुद्ध बुद्धि नहीं, वो सुबुद्धि जग करें, उन्हें कोई मतलब नहीं है अपने क्षेत्र से, जनता से, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, बस ट्वीट ट्वीट खेलना है। ये लोग अखबारों का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। आज पूरी न्याय प्रक्रिया आपके हाथों में, जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो हमारी चिंता थी कि प्रधानमंत्री जी आज जरूर कुछ बोलेंगे बिहार और मजदूरों के बारे में, जरूर हम लोगों के लिए कुछ सोचेंगे। बिहार की चर्चा होगी कि आप घबराए नहीं, किसानों पर कोई ना कोई बातचीत होगी,
अर्थव्यवस्था और उद्योग को लेकर के चचखर, वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के आधार पर क्या हल होगा, भारत के कोविड-19 के लॉकडाउन को आज एक महीना से अधिक समय हो गया, इस दौरान देश की आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह बंद, ऐसे में रेंटिंग एजेंसी ने अपनी चालू वित्त वर्षीय में अर्थव्यवस्था में वृद्धि को लेकर समय समय पर काफी बदलाव किए। हमें यह समझ में आता है कि भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए संकेत बहुत ही दुखदायी होगा। राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय रेंटिंग एजेंसी फिच ने 5.6, IMF ने, मूडी ने 5.4, वर्ल्ड बैंक ने 5 वृद्धि का अनुमान लगाया। 19 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 6% दर की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान था, मगर देशव्यापी तालाबंदी मत देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि जो अनुमान लगे 6% की वृद्धि दर से शुरू होकर अब 1% नीचे आ गई। 4 मई तक तालाबंदी पर आधारित है, ऐसे में यदि 4 मई से भी लॉकडाउन 3 का आरंभ होता है तो स्वाभाविक पुनः सभी एजेंसी अपने अनुमान परिवर्तित करेगी। दूसरी ओर यदि हम चुनिंदा अर्थव्यवस्था का रेट का अनुमान लगाने वाली एजेंसी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अनुमान की तुलना करें तो पीच के अनुसार 5.6, IMF 5.8, मूडी 5.4, वर्ल्ड बैंक 5, RBI 6। इस आंकड़ों से स्पष्ट है कि लॉकडाउन हमारे आगे बढ़ता हुआ वापसी बड़ा परिवर्तन करेगा। 2020 में 5% के स्तर से 2 महीने के बाद 2.5% पर पटक दिया, ऐसे में यह भारत के 2 माह के अंतराल में पड़ने वाला पहला सबसे बड़ा झटका। छोटे उद्योग लगभग सिमटने की नजर में, लगभग 45-55% लोग बेरोजगार होंगे। भारत के मध्य उद्योग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 6.5 करोड़ लघु व्यापारी हैं, जो कि मुख्य तौर पर सेवा उत्पादन व ट्रेड के क्षेत्र में सबसे अधिक संबंध रखते हैं। इन सभी की किस्मत वर्तमान समय में लघु व्यापार बचाने के लिए दांव पर लग चुकी है, परंतु इन्हें राहत देने के लिए सरकार का कोई कदम नहीं, ताकि उन्हें सरकारी लाभ से राहत मिल सके। मध्य उद्योग के कोरोना की मार से बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों उनके पक्ष में ठोस नीति नहीं बना रहे। छोटे उद्योग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बचने की उम्मीद नहीं है, जितना नुकसान उनको हुआ उसकी भरपाई दोनों सरकार को अभी तक सहूलियत देने में असफल रहे। अब जरा आप बताइए कि क्या किया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं सुधाकर महाराज जी को, राय नूर जी को, अनामिका जी को, आदित्य कुमार सिंह को, कि आपका स्नेह और ताकत बिहार के बच्चों को और मजदूरों को हौसला देगा। अब DNA नीतीश कुमार जी से ही पूछना पड़ेगा आप सबको कि आज बिहार के मजदूर और भारत में जो बच्चे हैं उसका DNA कौन सा है। नीतीश बाबू, मेरा बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह है, मैं नंबर दे रहा हूं, कई सारे नंबर हमारे पास आए हैं, हरियाणा रेवरी जिले के मालपुरा गांव में फंसे हैं संदीप श्रीवास्तव भी सब, बहुत सारे लोग। आज मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के PA से बात कर दिल्ली में कोशिश किया हूं सभी जगह राशन और खाना भिजवाने का, और संजय सिंह सांसद से,
लगातार विभव जी से बातचीत हो रही है जो अरविंद केजरीवाल के पी हैं, और संजय जी सिंह सांसद जी भी लगातार कोशिश में हूं कि मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। और इससे बुरे हालात बिहार के हो गए, पीडीएक्स सिस्टम बिल्कुल ना समाप्त हो चुका है, और जो मजदूर गए हैं बाहर से उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। मैं फिर आग्रह करूंगा कि यदि आप जो देश की अन्य सरकार कर रही है और एक गंभीर सवाल में खड़ा करना विदेश मंत्रालय भारत के बाहर फंसे भारतीयों को लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, जब आप भारत के बाहर फंसे पैसे वालों को लाएंगे, लाएं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, उसकी जांच करें, क्वारंटाइन करें, जो आपने करके भी आप भारत की स्थिति बुरी कर दी नहीं करके, लेकिन भारत में जहां बस मजदूर और छात्र फंसे हुए हैं उन पर गंभीरता से चर्चा क्यों नहीं हो? हमारे भारत के लोग जा रहे हैं, बहुत ही जा रहे हैं, सभी जगह लोग जा रहे हैं, भारत के लोग क्यों नहीं जा पा रहे? इसीलिए मेरा मैं जीवन में एक बात बता दूं, मैंने पत्र पहले ही भेज दिया है बस के लिए, और आज मैं खुल करके बोलना चाहूंगा आपसे कि लगभग देश के जितने मित्रों ने, हमारे परिवार के लोगों ने हमें मदद की है, विभिन्न जगहों पर लोग भूख हड़ताल में, आरा में हमारे एक साथी भूख हड़ताल में बैठे हैं पीडीएस सिस्टम को लेकर, इसी तरह अलग अलग जगहों पर जो हालात अच्छे नहीं है उसको लेकर के बैठे हैं, बिहार में जितने लोग आज खाना खिला रहे हैं या लोगों की मदद कर रहे हैं उसमें यूथ और छात्र की संख्या सबसे ज्यादा अत्यधिक है। ये जो जरदगम लोग हैं, पुराने लोग जो जात पात के आधार पर पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू मुसलमान आरक्षण के नाम पर, उनकी चिंता नहीं है, लेकिन जिनका दिल दिमाग बिल्कुल साफ है, जो बिहार और बिहारी हैं, हिंदू मुसलमान नहीं है, अभी भी नालंदा में एक घिनौना खेल शुरू हो गया, युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर केस भी हुआ, नफरत पैदा करने की शुरुआत नीतीश जी के घर गांव घर से ही शुरू हो गए। बचाइए नीतीश जी, एक तरफ हम कोरोना वायरस भूख अपनों से अपनों पास जाने से परेशान है, और दूसरी तरफ कुछ लोग दुकानों पर झंडा लगा करके हिंदू मुसलमानों की दुकानों की पहचान करवाने में लगे हैं, और शुरुआत नालंदा से हो गई। छी छी छी, ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए, और हर तरह की सुविधा रोक देनी चाहिए जो जात का नफरत आरक्षण के नाम पर, एसटी एससी के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर पैदा करता हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम। इंसान को बैकवर्ड फॉरवर्ड से गाली दिया जाए माफी जोग नहीं, जाति के आधार पर इंसान की इज्जत हो माफी जोग नहीं। इसीलिए मेरा आग्रह है, जब आप यहां से विदेश भेज रहे हो, विदेश से यहां ला रहे हो, तो भारत में जो परेशान है लोग उनको आप भेजिए, मेरा आग्रह है हाथ जोड़कर। और प्लीज कल प्रधानमंत्री जी
बिहार के मजदूरों पर औकात है नीतीश जी तो बोलिए और उसको ट्वीट करिए, चर्चा करिए। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं ना एमएलए हूं ना एमपी, ना एक साधारण आदमी हूं, मजदूर हूं। मेरी हैसियत और औकात जनता भगवान के पैर की धूली के बराबर नहीं है। डेली भीख मांग करके लाता हूं, कोशिश करता हूं कि 1 लाख लगभग रुपया का अकाउंट डेली जो अकाउंट नंबर आता है उनको तक भेज सकूं। और वो प्रमाण है, मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं भी दोस्तों से रिश्तेदारों से मांगता हूं। रिश्तेदार लोग तो कम देते हैं लेकिन दोस्त सबसे ज्यादा देते हैं। मेरे बच्चे खुश हैं कि पापा प्लीज आप जितना मदद कर सकते हो करिए, घर की चिंता मत करिए। मैं धन्यवाद देता हूं अपने बेटा बेटी को जो हमारी पूरी मॉरल ताकत बनते हैं। इसीलिए मेरा आग्रह है कि कल निश्चित रूप से नवल पाठक जी, मनोज तिवारी जी, कि आप जानते हैं कि लगातार 7 महीनों से हमारे लोग हर जिलों में सड़कों पर हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको खबर हो रही होगी। जीवन में मर जाऊंगा इंसानियत के नाम पर कभी स्टंट और राजनीति नहीं होगी। हमें कभी सही तरीके से समझने की कोशिश बिहार और बिहार के लोगों ने नहीं किया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा और मैं इस मामले में बहुत गंभीर हूं कि 12 करोड़ 12.5 करोड़ बिहारियों के सवाल पर और इस देश के किसानों के सवाल पर जो हालात में है, कल आप प्रधानमंत्री जो मैं हैशटैग कर रहा हूं बिहार करे पुकार, उसमें आप एक एक मातृत्व शक्ति और भातृत्व भाई और पितृत्व शक्ति खड़े होइए और आवाज दीजिए कल प्रधानमंत्री जी को कि आप किसान जो 6 दिनों से बारिश और तूफान से परेशान है आप विशेष पैकेज दें, साथ साथ बिहार के मजदूर और युवाओं को लाने का प्रयास करें। आप बिहार के मजदूर और युवाओं की कल आवाज बने, ये मेरा आग्रह है। मैं आपसे वचन देता हूं अभी नीतीश जी रात के 12 बजे हमें आदेश दें, सुबह आपको मैं कोटा में मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।